सब्सक्राइब कीजिए मोस्ट मोमेंट ममताज लाइफ चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त ममता जौहरी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों से गिलोय के गुणों के बारे में बात करेंगे। शायद आप लोग गिलोय के कुछ गुणों के बारे में जानते भी हों, लेकिन आपको गिलोय के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी। गिलोय से वात, पित्त, कफ, इन तीनों को ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति बीमार होता है, कारण तो वात, पित्त या कफ का असंतुलन ही होता है, जिनको गिलोय संतुलन में रखता है। इसका संस्कृत नाम अमृतावल्ली है, अर्थात कभी ना सूखने वाली लता। अपने नाम की ही तरह ये कभी मरती नहीं और इसका सेवन करने वाले हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार में तो ये फायदा करती ही है, साथ ही साथ गंभीर बीमारियों में भी इसका सेवन आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शरीर में गिरते प्लेटलेट्स को तेजी से बढ़ाती है। अर्थराइटिस, डायबिटीज, टीवी, कब्ज, कान का दर्द, बवासीर, पीलिया, लीवर विकार, मूत्र रोग, गठिया, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, कैंसर जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों में ये लाभप्रद सिद्ध होती है। एक गिलास गिलोय का काढ़ा तैयार करने की विधि। सर्वप्रथम 9 से 10 इंच की गिलोय की एक डंडी ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर खरल में कूट लें। अब 2 गिलास पानी में रात भर भिगो दें, सुबह उबाल कर आधा कर लें और छान कर पिएं। चाहें तो इसमें स्वाद के लिए काली मिर्च व शहद डाल लें, क्योंकि इसका स्वाद कड़वा व कसैला होता है। ये रक्त को शुद्ध कर विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करती है, बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, ये इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करती है, जो इस समय कोरोना काल में भी बहुत लाभप्रद है। गिलोय के काढ़े को अगर 100 ml प्रतिदिन लें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद है। आप इसे घर में भी लगा सकते हैं। वैसे नर्सरी में इसके पौधे मिल जाते हैं और ये खुद ही जगह जगह उगाती है। इसके पत्ते पान के आकार के होते हैं। एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।